न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब खबर रीवा से है, जहां के स्पन कंपनी को टर्मिनेट कर ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। पूर्व टर्मिनेशन को निलंबित कर 3 माह का समय दिया गया था, वहीं कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने में अक्षम रही, जिसके चलते के स्पन के टर्मिनेशन को अब आगे बढ़ाया गया है। वहीं 2 साल के लिए अब ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्यपालन यंत्री सीवरेज नगर निगम रीवा ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने RTI लगाकर बड़ा खुलासा किया है। रीवा जिले को गड्ढों और कीचड़ में तब्दील करने वाली के स्पन कंपनी लिमिटेड को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब टर्मिनेशन के बाद कंपनी को 25 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2024 के बीच में ब्लैक लिस्ट अर्थात काली सूची में सम्मिलित करने की भी तैयारी चल रही है और प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री सीवरेज नगर निगम रीवा के द्वारा शासन को भेजा जा चुका है। मामले का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लगाई गई एक RTI के माध्यम से हुआ, जिसमें लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका निगम के द्वारा 13 जून 2022 को 22 पृष्ठ की दी गई जानकारी में के स्पन कंपनी का टर्मिनेशन आदेश साथ में काली सूची में डालने के लिए कार्यपालन यंत्री सीवरेज नगर निगम रीवा के द्वारा दिनांक 10 मई 2022 को पत्र शासन को भेजा गया प्रस्ताव सम्मिलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। के स्पन कंपनी के द्वारा रीवा जिले में सीवर लाइन प्रोजेक्ट का कार्य लिया गया था 2016 में। 18 नवंबर 2016 का मामला है। 214 करोड़ का कार्य था। टेंडर प्रक्रिया और सब प्लस माइनस करने के बाद लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। इसमें इनका 32 करोड़ रुपए जो था वो बैंक गारंटी थी। 3 साल में कार्य पूरा होना था, 3 साल में कार्य नहीं पूरा हुआ। रीवा जिले के अंदर जो नगर निगम क्षेत्र था उसको सीवर लाइन के नाम पर के स्पन ने पूरी रोडों को तोड़ दिया, पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दिया, पाइप लाइन काट दी, पानी की दिक्कत, सड़क की दिक्कत, प्रदूषण, हर तरह से समस्याएं थी। इसकी RTI लगाई, RTI में पता चला कि लगभग 50-55 करोड़ इनको पे भी किया जा चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि 50-55 करोड़ पेमेंट का मतलब ये होता है कि 25% के आसपास कार्य का पूरा हो पाना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 6 साल के बाद भी इनका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ 25% पे भी। फिर एक हमने RTI लगाई, इनकी शिकायत भी की। शिकायत के बाद CM ने आगे मुख्यमंत्री ने स्वयं ने इसको टर्मिनेट किया। टर्मिनेशन के विरुद्ध इसने अपील की और इसको 3 महीने का समय मिला कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ये दे नहीं पाया, वो एक्सटेंशन इनका बढ़ गया टर्मिनेशन का। और अभी इनको ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है। तो 27/9/2021 का हमारे पास प्रपत्र है, जिसमें इनको टर्मिनेट करने के पर्याप्त कारण बताए गए हैं के स्पन कंपनी को, और इसके बाद इनको ब्लैक लिस्ट करने की भी तैयारी है।